नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मसूरी के मसूरी आईटीबीपी के पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। SS देशवाल, DG आईटीबीपी ने आईटीबीपी अकादमी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की तरफ से प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी नामक एक विशेष किताब का विमोचन किया। 53 अधिकारियों ने बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद देश सेवा की शपथ ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल के युवा अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। आईटीबीपी हिमालय की प्रहारी है और संपन्न और उच्च प्रेरणा के साथ राष्ट्र की कठिन सीमाओं की सुरक्षा करती है। उन्होंने कहा कि हर आपदा की स्थिति में, विशेष रूप से दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में संकट में फंसे लोगों के लिए आईटीबीपी सुरक्षा और बचाव की भूमिका निभाती रही है। उन्होंने आईटीबीपी के इतिहास की पहली किताब के सफल प्रकाशन पर महानिदेशक आईटीबीपी और प्रकाशन टीम को भी बधाई दी है। आईटीबीपी का इतिहास बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। हमेशा जहाँ भी उनकी तैनाती रही है, उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है और चाहे वो केदारनाथ की आई हुई आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हम अच्छा संबंध में स्थापित करेंगे और आईटीबीपी को जो भी उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा होगी उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। आपस में मिलकर जो अन्य भी मुद्दे हैं, जो क्लाइंट से जुड़े हुए रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब पर हम मिलकर काम करेंगे। मैं तो काफ़ी पहले से ही सपना था इसमें सेना में ज्वाइन करने का। मेरे को आईटीबीपी ज्वाइन करने का मौका मिला और इसमें बहुत काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, वो भी काफ़ी खुशी महसूस करते, बट कोविड के चलते यहाँ पे नहीं आ पाए। और हाँ, हम लोग चाइना के खिलाफ तैयार हो रहे हैं, जिस प्रकार उनकी नीतियाँ रही हैं हमारे खिलाफ, कुनीतियाँ रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग काफ़ी तैयार हैं। और आप लोग जोश देख ही सकते हैं, हम सब में जोश काफ़ी, हम सब में अच्छा महसूस हो रहा है। हर बच्चे का सपना रहता है कि वो फौज में आके देश की सेवा करे। मुझे मौका मिला है एज ए इंजीनियर, मतलब देश की सेवा करने का। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो हमें यहाँ सिखाया गया है हम उसको बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट करें। तो काफ़ी खुश हैं आप? यस सर। तो क्या आपके परिवार में से भी कोई फौजी है? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं पहला हूँ। उत्साह तो काफ़ी था क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल रही है हमारी। पूरी ट्रेनिंग हमने लड़कों के बीच में की है और लड़कियों होने के कारण चैलेंज बहुत बढ़ गया था हम लोगों का। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ट्रेनिंग खत्म हो गई है और हमने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग खत्म कर ली है। हमें उम्मीद है कि फोर्स के अंदर और लड़कियां और आएंगी और एक टाइम के बाद इतनी लड़कियां होंगी कि बराबरी का, मतलब हमें दर्जा मिलेगा वहाँ पे, बराबर लड़के और पुरुष होंगे। चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि महिला के नाते भी और एक ऑफिसर के नाते जी, भी जी, जी। अगर कल को आपकी जरूरत पड़ती है देश को तो क्या तैयार है पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार है, पूरी जान लगा देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम टाउन हॉल देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुम्ब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन किया जाएगा। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लंबे संघर्षों के परिणाम स्वरूप भारत को आजादी मिली। देश की आजादी के लिए हमारे इन वीरों ने अपना सब कुछ समर्पित किया। 9 अगस्त 1942 की घटना भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अगस्त क्रांति की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत की आजादी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 9 अगस्त क्रांति दिवस है। इस अवसर पर हमारे बीच में जो है यहाँ पर लोकतंत्र जो सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उनके परिजनों को हमने सबको आज यहाँ पर याद किया है उनके साथ मिलकर, और उनकी कुछ जो ज़रूरतें थी जो इस समय में होना चाहिए उसको उन्होंने कहा है। तो हमने कहा है कि एक लोकतंत्र सेनानियों के लिए यहाँ पर एक हरिद्वार के अंदर भवन बनाया जाएगा और साथ में जो है उनको एक जो पेंशन थी उस पेंशन का नाम हमने जो है बदल दिया है, उसको भी जो है उनके सम्मान पेंशन के नाम से करने का जो है सरकार ने फैसला किया है। और जो भी उनके साथ है सरकार उनके साथ रहेगी और उनके हर प्रकार से जो है जो भी सहायता हो सकती है सरकार के द्वारा।
सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय नैनीताल के पंत पार्क में 300 यूनिट बिजली फ्री गारंटी कार्ड योजना का कैंप लगाकर आम जनता को इस योजना से जोड़ने का कार्य व्यापक स्तर पर किया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की इस योजना से जुड़कर अपना अपना बिल गारंटी योजना कार्ड बनाया। इस दौरान आप पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा है कि आप पार्टी किसी के साथ भेदभाव का बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के इस बिजली गारंटी कार्ड योजना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका ने कहा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की इस योजना से आम जनता में भारी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर इस योजना में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि आज जनता को पूरा विश्वास है कि अगर जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे का कोई समाधान कर सकता है तो वो एकमात्र राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम को पार्टी के नैनीताल विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर भुवन आर्य, विधानसभा नैनीताल महासचिव विनोद कुमार आदि ने संबोधित किया। आम आदमी पार्टी बिजली गारंटी कार्ड योजना के इस कार्यक्रम में नैनीताल विधानसभा संगठन मंत्री प्रदीप साहा, युवा नेता अंकुर आर्य, लोकेश कुमार, सुरेश चंद, वरिष्ठ नेता राम नारायण लोग भी मौजूद रहे। की जा सकती है राजनीति को इन मुद्दों में ही पता जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करी, कभी अगले पिछड़े की बात नहीं करी, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं करी। अगर आम आदमी पार्टी ने बात करी है तो मुद्दों पर बात करी है, शिक्षा पे बात की है, स्वास्थ्य में बात की है, बिजली पानी में बात करी है, रोजगार पे बात करी है, अच्छी सड़कें और अच्छा स्वास्थ्य देने में बात करी है। कभी आपको लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा इस प्रकार के कोई वक्तव्य नहीं दिया। आपने देखा होगा आजादी के बाद से इन दोनों दलों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, इस देश को बांटने का काम किया। कभी जाति के नाम पे बांटा, कभी धर्म के नाम पे बांटा, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटा, इन्होंने इंसान को इंसान से बांट दिया। और आज आम आदमी पार्टी अगर आई है आप लोगों के बीच में तो वह मुद्दों को लेकर आई है, वो आपकी समस्याओं को लेकर आई है, वो आपके अपने अधिकार को दिलाने की बात करने के लिए आई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नालापानी चौक पर अवसहनीय परिवारों को अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से राशन किट का वितरण किया। इसी के साथ अस्थायी प्रवास वाले घुमंतु समुदाय के लाभार्थियों के मोबाइल टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत उन्होंने की। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, ऐसे में हर वर्ग समुदाय का टीकाकरण किया जाएगा। आवासहीन मलिन बस्तियों में रहने वाले हर व्यक्ति का टीकाकरण होगा, साथ ही उन्हें सरकारी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार की सहायता हमारी तरफ से होगी और हम लोग जो है सब लोग प्रयास करेंगे, लोगों के घरों तक जाएंगे। आज हमने ये यहाँ से प्रारंभ किया है, मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो आवास विहीन लोग हैं उनको सहायता करनी। सर क्या ये वैक्सीनेशन भी मोबाइल बैंक के जरिए वैक्सीनेशन साथ साथ वैक्सीनेशन भी होगा और जो मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं उनको पूरी तरह से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको वैक्सीन भी देंगे और उनके साथ जो हमारी जो सहायता है वो भी करेंगे। लालकुआ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अगस्त क्रांति पखवाड़ा के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश और कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। यहां पदयात्रा कारोड़ स्थित प्राइमरी विद्यालय से शुरू होकर बिंदुखत्ता के कई मार्गों से होते हुए विद्यालय में समाप्त हुई। पदयात्रा के अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कांग्रेस वक्ताओं ने कहा है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी के हित के लिए काम करती रही है और करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी एक आम जनता की पार्टी है, जनता का विकास तभी संभव है जब आप सभी जनता अपनी पार्टी कांग्रेस का साथ दें। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जीतकर अपना परचम लहराएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है उससे आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है और रोजगार की समस्या भी गंभीर है, साथ ही प्रदेश का छोटा व्यापारी भी त्रस्त है। वहीं बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे राज्य में महंगाई की कोई समस्या ही नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी को जनता से कोई सरोकार नहीं है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और महंगाई जैसी समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश गोदयाल जी के आह्वान पर आज अगस्त क्रांति के अवसर पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए हमारा एक कांग्रेस पार्टी ने एक नारा निकाला है, भाजपा भगाओ कांग्रेस लाओ, भाजपा गद्दी छोड़ो और इस देश को बचाओ। भाई जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में आज
भाजपा की सरकार होने के दोनों जगह इनकी सरकार होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इस समय जनता ने मन बना लिया है, इतनी महंगाई इस समय हो चुकी है, आप तेल के दाम देख लीजिए और पेट्रोल के दाम आप देखिए, दालों के दाम देखिए, सारी महंगाई, जनता परेशान है। जब पिछली बार तक जब कांग्रेस की सरकार थी 10 रुपये अगर सिलेंडर में बढ़ जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर लेके प्रदर्शन करते हैं। नेता ने दिया है, नेता प्रतिपक्ष ने दिया है, इस नारे को घर घर पहुंचाएंगे और ये झंडा सबके पास है घर में लगाएंगे और इसका मान सम्मान करेंगे। देखिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज अगस्त क्रांति को एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक नारा दिया कि हर हर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, और प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है अपने घरों में झंडा लगाकर, अपने पास पड़ोस में झंडा लगाकर एक संदेश देना चाहता है कि कांग्रेस लाओ देश बचाओ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों देश छोड़ो उन्होंने एक नारा दिया था, उसी के तहत सन 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उसी को लेकर के आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आज हम यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पर अगस्त क्रांति के रूप में इस दिवस को मना रही है। हरिद्वार में रोशनाबाद विधायक सुरेश राठौर भारतीय महिला हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पहुंचे, जहां उन्होंने वंदना कटारिया के परिवार से मुलाकात की और वंदना कटारिया के परिजनों को शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक सुरेश राठौर ने वंदना कटारिया की मां को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये मांग करता हूं कि वंदना कटारिया को रानीपुर हरिद्वार BHL परिसर के अंदर एक मकान आवंटित किया जाए। वंदना कटारिया देश के गरीब समाज की दलित बेटी ने दुनिया में महिला हॉकी टीम के अंदर हैट्रिक लगाकर देश का नाम रोशन कर दिया, हमें देश की बेटी पर गर्व है। अल्बोड़ा में डिप्लोमा फार्मिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया, जिसमें प्रदेश भर के फार्मिस्टों के पदाधिकारियों की तरफ से भागीदारी की गई। इस अधिवेशन में फार्मिस्टों ने सेवा नियमावली, प्रद्योन्नति और प्रदेश में फार्मिस्टों के रिक्त पदों को भरने की मांग की। इसके साथ ही कोरोना काल में किए कार्यों पर भी सवाल उठाए। एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री RS एरी ने कहा है कि प्रदेश में आज कोरोना काल के दौरान जिस तरह से अनट्रेंड लोगों की तरफ से दवाइयां बांटी जा रही हैं, वो समाज और सरकार के लिए घातक है। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में बांटे गए वार्डों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आज ही हमारा डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन उत्तराखंड का जनपद शाखा हमारी अल्मोड़ा है, इसका जनपदीय अधिवेशन हो रहा है। जब पुरस्कारों की बात आती है तो वो पुरस्कार उचित पात्र को दिया जाना चाहिए, वहाँ पर वो त्रुटियाँ हो रही हैं, उसे सुधारने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो औषधियों का रखरखाव, भंडारण और वितरण होता है, ये भारत की संसद द्वारा पारित फार्मेसी एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत क्वालिफाइड पर्सन से ही कराया जाना चाहिए और फार्मासिस्ट इसके लिए क्वालिफाइड पर्सन है। फार्मासिस्ट के ही नियंत्रण में, देख रेख में और फिर उसके द्वारा ही ये कार्य सम्पन्न कराए जाने चाहिए, लेकिन आज अकुशल लोगों द्वारा ये कार्य जो सरकार करा रही है, इससे समय आने वाले समय में जो हमारी जनता है उसके बीच इसके काफ़ी दुष्प्रभाव दिखाई देंगे, जो उचित नहीं है, न किसी सरकार के लिए है, न शासन के लिए है, न विभाग के लिए। BJP सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुना। सांसद अजय टमटा ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के 14 विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अभी तक 1200 से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। वहीं केंद्रीय बजट से राज्य की कई सड़कों का कार्य चल रहा है और ऑल वेदर रोड का भी कार्य चल रहा है, साथ ही जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस पर सरकार का फोकस रहेगा। 2014 से लेकर 2019 और अभी तक के लगभग 1200 से ज़्यादा PMGSY के कार्यों की स्वीकृति चारों जिलों के 14 विधानसभा के अंदर हुई है और स्टेट प्लान के अंदर भी हमको बहुत पर्याप्त मात्रा में हमने पैसे की स्वीकृति करके मोटर मार्गों का शुभारंभ किया है। वहीं हमने CRF के फंड से, जो सेंट्रल का जो फंड है, स्टेट सेक्टर की रोडों को भी बनाने का काम किया। वहीं हमने ऑल वेदर रोड के माध्यम से देश की सबसे बेहतरीन रोड अपनी टनकपुर से लेकर लिपुलेख तक बनाने का काम किया है। वहीं आज हमारे माध्यम से हम छोटी छोटी रोडें जो शहरों के नज़दीक थी उनको बनाने का काम किया। यही लोगों को सारी सुविधाएं मिले, मोटर मार्ग मिले, पानी मिले, घर मिले, गैस का कनेक्शन मिले,
और वैक्सीन मिले, ऐसे करके जो भी मनुष्य की वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, रोजगार की दृष्टि से भी हम 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का पैसा कोऑपरेटिव के माध्यम से दे करके लोग अपने दुधारू और अपने GMDIC के माध्यम से उद्योगों की स्थापना करें, ऐसे काम को करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। काशीपुर शहरवासियों के लिए बारिश का मतलब पानी से जंग करना जैसा है। पूरी सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं और लोग पानी में तैरकर सड़कों पर सफर करने को मजबूर हैं। सालों से काशीपुर शहर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जलभराव से आज तक काशीपुर की जनता को निजात नहीं मिल पाई है। सुबह से हो रही बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया, पूरा शहर पानी पानी हो गया है। जलभराव के चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और कई दुकानें भी पानी घुसने से लोगों को लाखों का नुकसान भी हुआ है। वहीं पानी में डूबे शहर को देख कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा और बीजेपी नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लंबे समय से बीजेपी के विधायक और मेयर जलभराव की समस्या निजात दिलाने के वायदे कर काशीपुर की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं और नालियों की सफाई के नाम पर नगर निगम सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि शहर की हालत बरसात में किसी नदी से कम नहीं होती और शहर की जनता को हर बार इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने अब जलभराव की समस्या को लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस बात के लिए कि आज की तारीख में काशीपुर में डबल इंजन नहीं, मैं तो कहूंगा ट्रिपल और चार चार इंजनों की सरकार इस समय काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। सड़कों के ऊपर, नालियों के ऊपर करोड़ों रुपया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है और अभी इस शहर की हालत देखिए। 4 बार से एक ही विधायक यहाँ पर उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, भारतीय जनता पार्टी का अधिकतम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के, और काशीपुर के मुख्य मार्ग और पॉश एरिया में आज पानी उनके घरों में और दुकानों में पहुंच चुका है। और दुकानों की स्थिति यह है कि दुकानों का माल खराब हो रहा है, व्यापारी बुरी तरीके से परेशान है। सड़कें जब बनाई जाती है तो करोड़ों रुपए का केवल फंड पास करा जाता है, उन सड़कों का न ढाल देखा जाता, ना उनका आर्किटेक्चर से ही कराया जाता है कि इसका ढाल का पानी का मूवमेंट किधर है। केवल मकसद एक होता है कि फंड निकालो, फंड लगा के यूज करो, कमीशनबाजी करो और खत्म कर दो। नालियां शहर की खत्म हो चुकी हैं, सड़कों का ढाल खत्म हो चुका है, जिससे आप देखिए स्थिति क्या शहर की हो चुकी है कि पूरा का पूरा शहर आज की तारीख में तबाह होने की स्थिति में है। यदि ये बारिश पूरी रात पड़ जाए, 12 घंटे यदि ये बारिश पड़ जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे से ज़्यादा शहर पानी में डूब जाए। आज सारी कॉलोनियाँ, मुख्य मार्ग, गलियाँ, चौराहे, सारे के सारे 1.5 घंटे की बारिश में लबालब भरे हुए हैं। तो ये हम काशीपुर वासियों के लिए दुर्भाग्य है, जो स्वर्गीय पंडित धर्मेंद्र तिवारी की भूमि थी, विकास की भूमि थी, और आज इस भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक और मेयर साहिबा ने केवल विनाश की लीला काशीपुर में कर दी है, विकास तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। हरिद्वार में रविवार को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से संचालित स्वामी राम प्रकाश थर्मार्थ चिकित्सालय के सौजन्य से ग्राम सभा गौड़ी खाता में बसो चंद्र श्री कृष्णायन गौशाल्य में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया। सभी के बीपी शुगर की जांच की गई। 5 मरीजों को कैटरेक्ट सर्जरी के लिए सिलेक्ट किया गया, जिनकी सर्जरी भी फ्री होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की फोटो के पास दीप जलाकर श्री कृष्णायन गौशाला के संस्थापक अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वर दास जी महाराज, संरक्षक स्वामी आत्मानंद जी महाराज और उपाध्यक्ष श्री शंकर दास जी महाराज ने किया। इसके लिए शिविर में हरिद्वार से आए चिकित्सकों के दल के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण रेड्डी ने बताया कि ऐसे ही हेल्थ शिविरों का आयोजन हर 15 दिनों में एक बार गाँव में लगेगा। इस शिविर में डॉक्टर विवेक, डॉक्टर हरीश चौहान, डॉक्टर पीयूष रोहन, शुभम हेमलता, आरएसएस के जिला कार्यवाहक डॉक्टर अंकित अध्यक्ष, ये सभी मौजूद रहे। टिहरी के गढ़वाल देवप्रयाग में NH-58 पर मिट्टी के ढेर पर पड़े रहने से रविवार सुबह 8 बजे से जाम लगा रहा, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़े जाम की वजह से हजारों की तादाद में गाड़ियों का तांता लगा रहा। वहीं NH के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। जब रोड से मिट्टी का ढेर हटाया जा रहा था तो एक किसान ने जमकर हंगामा किया और कहा कि मुझे रोड कटिंग का मुआवजा नहीं मिला है। वहीं NH के अधिकारी भी लाख कोशिश के बावजूद भी किसान को नहीं समझा पाए, जिसके बाद NH अधिकारियों ने JCB मशीन मंगवाई और मिट्टी को डंपिंग जोन पहुंचाया गया, जिससे लोगों का काफी समय बर्बाद हो गया, जहां लोगों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक भूखे प्यासे जाम में फंसे रहना पड़ा। वहीं 6 बजे जाम पूरी तरह से सुचारू हो गया। लाइट
आगे दूसरी जगह जो बंद है वहाँ पे किस तरह से हालत बनी है? अभी फिलहाल कहीं नहीं बंद है, शिव मूर्ति के पास बंद है जो खुल गया है और अभी फरासू में भी खुल गया है तो अभी हरिद्वार में पूर्व जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर का विदाई समारोह ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। रेडक्रॉस सोसाइटी हरिद्वार की तरफ से आयोजित चैंपियन ऑफ चेंज की विशेष कड़ी में चैंपियन ऑफ चेंज के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सी रविशंकर ने कहा है कि जिस समय मैंने जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था उस समय विदेशों से कोविड-19 की खबरें आ रही थी और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में इस संबंध में विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवागमन बढ़ने से ये इतना बढ़ गया ये किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे सभी पदाधिकारी अपने अपने काम में हमेशा सक्रिय रहे हैं, ये देवभूमि है, यहाँ धीरे धीरे सभी अच्छे लोग और एनजीओ इकट्ठा होने लगे। कोरोना की चुनौती जब जब आती थी हम एक हो जाते थे, जिसका जैसा काम था उसने अपनी भूमिका काफ़ी अच्छी तरह निभाई है। प्रवासियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना भी शुरू में एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इस अवसर पर कोरोना के समय आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की तरह किए गए कामों की भी सराहना की है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हो रहे लगातार भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित है। ऐसे में वाहन में सवार यात्री नदी पार करने को मजबूर हैं। गंगोत्री हाईवे पर सक्रिय भूस्खलन खुले मौसम में भी स्थानीय लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। वहीं नगुण नीलियासौड़ में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आ रहे हैं, जिससे हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सवारियां गाड़ों से उतरकर नदी पार करने को मजबूर हो गई हैं। जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी और टिहरी की सीमा पर नागुण के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबा स्थानीय लोगों के लिए परेशानियों का सबब भी बने हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत बैराज चीला मार्ग पर बीन नदी में एक बैंक कर्मचारी नदी पार करते हुए उफनती नदी में बह गया। वहीं ग्रामीणों की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद बैंक कर्मचारियों को नदी से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि यमकेश्वर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्षेत्र विधायक ऋतु खंडूरी क्षेत्रवासी सालों से यहाँ पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं आज दोपहर लालकुआ में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, साथ ही किसान भाइयों को भी इससे फायदा मिलेगा। आपको बताते चलें कि कुछ दिन से लोग उमस भरी गर्मी से काफी परेशान थे, वहीं मूसलाधार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।